हेलो दोस्तों, मैं हूं ट्रेवलर धर्म। आज मैं आपको एक अमेजिंग बोटिंग एक्सपीरियंस पर ले जाऊंगा, जो है होन्नावर बैक वाटर बोट। हम चल पड़े हैं बोट राइडिंग से, मज़ा आएगा। और आप ये अनुभव मेरे साथ साझा करोगे इस वीडियो में, जब आप देखोगे हरे भरे मैंग्रोव फॉरेस्ट और उसके बीच से बहती नदी, और उस नदी पे हिचकोले खाती हमारी नाव। दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। अगर आप गोकर्णा से डायरेक्टली होन्नावर जाते हो तो दो रास्ते हैं। आप गोवा मैंगलोर हाईवे से होकर जाते हो तो दूरी 53 किलोमीटर है, और रास्ते में ही मिर्जान फोर्ट भी पड़ेगा। दूसरा, अगर आप लिंक रोड से होते हुए जाते हो तो उससे दूरी 43 किलोमीटर है। दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी, बट आपको समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि हाईवे पर आपको कम टाइम लगेगा। बैकवाटर के जो बोटिंग पॉइंट्स हैं वो गोवा मैंगलोर हाईवे से उतरने के बाद सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर। जैसे ही आप हाईवे से कट लोगे बैकवाटर्स के लिए, आपको रास्ते में ही काफ़ी सारे बोटिंग पॉइंट्स दिखेंगे। हाईवे से उतरते ही आपको वहाँ पे काफ़ी सारे बोट वाले दिखेंगे, जो आपको रोड से ही फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही हम मिले अपने बोटमैन से, संदीप से। हम लोग जा रहे हैं होन्नावर बैक वाटर बोटिंग पे। तो हम 3 पॉइंट कवर करेंगे, एक है केरला व्यू पॉइंट है, एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और तीसरा क्या था, तीसरे का नाम मैं भूल गया। तो 1200-1100 ऐसे चार्ज है दो लोगों के, 1 घंटे की राइड। ये है संदीप, आप इनसे बोटिंग राइड ले सकते हैं। और अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट होने वाला है, अभी पार्किंग से निकल रही है बोट। हम चल पड़े हैं बोट राइडिंग पे, मज़ा आएगा। और अभी हमारी बोट पार्किंग से निकल रही है होन्नावर बैक वाटर बोटिंग। तो अब पार्किंग से निकल गई है, अब इसके बाद मोटर चलेगी तो मोटर का शोर आएगा। जनरेटर जैसा ही है पूरा सिस्टम, अभी उन्होंने जनरेटर चला दिया है। वहाँ से वो हैंडल कंट्रोल कर रहे हैं और पैर से अपने इंजन कंट्रोल कर रहे हैं, हाथ से एक्सेलरेटर। मस्त चल पड़े अब। ये हमारे बोट का टॉप है, इन्होंने बढ़िया स्टेप्स बना रखे हैं यहाँ पे उतर आने के लिए। जब मैंने बैकवाटर के बारे में सुना तो मन में एक सवाल था कि इसे बैकवाटर ही क्यों बोलते हैं। मैंने वहाँ पर जब लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बैकवाटर उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पर नदी का बहाव बहुत कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता। अक्सर ये बैकवाटर का एरिया मुख्य नदी से कोई जलधारा अलग होने की वजह से बन जाता है, या कई बार हाई टाइड के टाइम पे समंदर का पानी आने से भी बन जाता है। ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो हमने सुंदरवन में भी सुने हैं। दलदली मिट्टी, कीचड़, बिल्कुल नुकीले नुकीले से कांटे कांटे से लकड़ियाँ निकली हुई हैं, जैसे लगता है कि किसी ने किला बनाया हुआ है। क्या जैसा लग रहा है, किसी ने किला बनाया और किले की सिक्योरिटी किले की सिक्योरिटी के लिए किसी ने सब ये लकड़ियों के कांटे लगाए हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, जो चीज़ें नेचुरल होती हैं वो नेचुरली होती हैं। ये बहुत ही अमेजिंग जगह है। एक तरफ तो सारे किनारे पे नारियल के पेड़ दिखते हैं और दूसरी तरफ मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखते हैं। ये आने वाली जगह है, सबको आना चाहिए। आप एक ही ट्रिप में तीनों पॉइंट्स कवर कर सकते हो, मिर्जान फोर्ट, होन्नावर बैकवाटर बोटिंग और मुरुडेश्वर। बीच में एक पॉइंट पर हमारी बोट में कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी, तो संदीप आधा पानी में उतरकर अपने पैरों से ही उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ ही मिनटों में उन्होंने उसे ठीक भी कर दिया।
होन्नावर बैकवाटर बोटिंग के लिए बेस्ट टाइम है सनराइज या सनसेट, और उसमें भी मैंने सनसेट की काफ़ी तारीफ सुनी थी वहाँ के लोकल से। आप अपनी इटिनरी उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो जिससे कि आप सनसेट के टाइम वहाँ पर पहुँच सको। बोटिंग के टाइम वो लोग 3 पॉइंट्स कवर करते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, केरला व्यू पॉइंट, लोटस व्यू पॉइंट। ये तीनों ही पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। कोकम जूस वो यहाँ भी पी सकते हैं, काफी स्वादिष्ट और ठंडा है, मजे आ गया पी के। कैसा होता है वो भी आप दिखाओगे? नहीं ऐसे ही अच्छा लग रहा है ये। ये है वो केरला व्यू पॉइंट, और इसे केरला व्यू पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बीच में नदी है और उसके दोनों साइड पे नारियल के पेड़ नदी की ओर झुके हुए हैं, जैसा केरला में काफ़ी कॉमन है, इसलिए इस पॉइंट को केरला व्यू पॉइंट बोलते हैं। हम सनसेट के टाइम नहीं जा पाए थे क्योंकि हमने रूट ऐसा बनाया था जिसमें हमें दिन भर के अंदर मिर्जानपुर, हन्नावर और मुरुडेश्वर कवर करना था और एंड में ओम बीच जाकर वहां से सनसेट देखना था। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हन्नावर के बाद हमें मुरुडेश्वर जाना था और मंदिर 1 से 3 बजे के बीच बंद होता है, इसलिए हमने आसपास के कुछ पॉइंट्स स्किप भी किए, जैसे कि शरावती, कांडला, मैंग्रोव बोर्डवॉक जो कि काफ़ी फेमस है। इसमें आपको एक लकड़ी के पुल से जंगलों के बीच से होकर जाना होता है। पास में ही दो बीच भी हैं, कासरकोड बीच और इको बीच, और कुछ ही दूरी पर एक वाटरफॉल है अप्सरा कोंडा वाटरफॉल्स। हमने बैकवाटर बोटिंग की, तीनों व्यू पॉइंट्स देखे और उसके बाद डायरेक्ट मुरुडेश्वर के लिए निकल गए जिससे कि हम वहाँ टाइम से पहुँच कर दर्शन कर सकें। ये लोटस व्यू पॉइंट है, अगर आप मॉर्निंग में यहाँ आते हो तो आपको ज़्यादा लोटस देखने को मिलेंगे। यहाँ से एक लोटस आ गया है इनके पास। बुद्धेश्वर के लिए वीडियो में नेक्स्ट संडे डालूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट संडे नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट संडे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।